तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, आप किस तरीके से अपने किसी भी एंड्रॉइड में FPS ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, फ्रेम रेट अगर आपका ड्रॉप होता है गेम खेलते वक्त, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं विदाउट रूट। ये दोस्तों विदाउट रूट है ये ट्रिक। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक दिया, वहां पर से आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वेबसाइट पर चले आएंगे जहां पर से मीडियाफायर का लिंक है दोस्तों। जिप फाइल को आपको में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको ओपन करने के लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम दोस्तों जेड आर्चीवर। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन दोस्तों उस फाइल को आपको कर लेना है ओपन। देन दोस्तों ये जीप फाइल है, जीप फाइल को दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक करना है, देन इसको एक्सट्रैक्ट हियर पे कर लेना है आपको सिंपली से क्लिक। एक्सट्रैक्ट हियर आप जैसे करेंगे दोस्तों सक्सेसफुली हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। देन दोस्तों उस फोल्डर को कर लेना आपको ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा कीटाना ट्वीक APK। जी दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। देन दोस्तों जेड आर्चीवर को यहां पर परमिशन मांगेगा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, तो यहां पर आपको परमिशन प्रोवाइड करा देनी है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। सेटिंग में जाके यहां पर अलाउ एक्सेस आप प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, देन आपको इंस्टॉल पे कर लेना है सिंपली से क्लिक। इंस्टॉल पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका कीटाना ट्वीक एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली हो चुका है। देन दोस्तों यहां पर आपको सिंपली से इसी को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमको इंटरफेस देखने को मिलेगा कीटाना ट्वीक APK का। देन दोस्तों आपको पूरी परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगी अपने डिवाइस की, कौन सी परफॉर्मेंस है, कौन सा CPU लगा है आपका, कौन सा GPU लगा, ये पूरी डिटेल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर में आपको 3 डॉट करके ऑप्शन दिख रहा है, उस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली से कर लेना है क्लिक। देन दोस्तों आपको दिखेगा परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन, परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। तो यहां पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल गए, आपको 4 ऑप्शन को दोस्तों 1 by 1 ऑन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। 4 ऑप्शन को दोस्तों आपको एनेबल कर लेना है। देन दोस्तों परफॉर्मेंस मोड से आपका हो चुका है काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपको बैक आनी है। बैक आने के बाद दोस्तों अब यहां पर 3 डॉट में अगेन आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा कर्नल का ऑप्शन, तो कर्नल वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है सिंपली से। देन दोस्तों आपको दिख जाएगा कर्नल ट्यूनर। जी हां दोस्तों, कर्नल ट्यूनर वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट। देन दोस्तों आपको दिख जाएगा नीचे में दोस्तों स्लीपर ऑप्टिमाइजेशन, स्लीपर ऑप्टिमाइजेशन दोस्तों आपको एनेबल कर लेना है। देन दोस्तों एंट्रोपी पे आपको कर देना है एग्रेसिव से सेलेक्ट। इतना करने के बाद दोस्तों यहां पर से कर्नल से हो चुका आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों अगेन आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों कर्नल के नीचे आपको दिख जाएगा दोस्तों CPU का ऑप्शन। जी दोस्तों CPU वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा ऑप्टिमाइज CPU का ऑप्शन, देन दोस्तों दिख जाएगा बूस्ट CPU का ऑप्शन। दोनों ऑप्शन को दोस्तों आपको एनेबल कर लेना है। देन दोस्तों यहां पर भी हो चुका आपका कंप्लीट। अब दोस्तों आपको चले आना है GPU पे। GPU पे दोस्तों आपको कर देना है इसको परफॉर्मेंस पोर्ट पे सेलेक्ट। देन दोस्तों नीचे में दिखेगा आपको GPU रेंडरिंग ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको एनेबल्ड कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको आ जाना है IO ट्यूनर पे। IO ट्यूनर पे दोस्तों आपको दिख जाएगा IO बूस्ट, IO क्यूज, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको दिख जाएगा 5 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन में दोस्तों आपको 3rd वाला एंड 1st वाला ऑप्शन आपको एनेबल कर लेना है। देन दोस्तों आपको अब नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा नेट ऑप्टिमाइजर। जी हाँ दोस्तों, नेट ऑप्टिमाइजर पे आपको कर देना है सिंपली से क्लिक। देन दोस्तों बफर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है बिग। देन दोस्तों बफर पे बिग सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में दिख जाएगा नेट स्पीड एंड RL ट्विक। जी दोस्तों, इन 2 ऑप्शन को आपको एनेबल कर लेना है नेट स्पीड वाले ऑप्शन पे। देन दोस्तों यहां पर से भी हो चुका है आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपको लास्ट में आ जाना है अपने बैटरी वाले ऑप्शन पे। जी दोस्तों, बैटरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। 1 by 1 आपको 5 ऑप्शन को एनेबल्ड कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों 5 ऑप्शन हमारे एनेबल्ड हो चुके हैं। देन दोस्तों यहां पर से आपका हो चुका है काम कंप्लीट कीटाना ट्विक से। देन आप देख सकते हैं आपकी CPU की परफॉर्मेंस अब बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। अब आपको सिंपली से अपने डिवाइस को एक बार रीबूट कर लेना है। रीबूट करने के बाद दोस्तों अगेन अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको कोई FPS ड्रॉप की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और आपका डिवाइस बहुत ही स्मूथ वर्क करेगा दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मेरी वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट करके सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसी प्रकार की कमाल की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच।